Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. I hope you all are doing fine. एंड इट इज़ बिन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम सिंस आई लास्ट सैट डाउन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा टू फिल्म लाइक अ प्रॉपर सिट डाउन वीडियो एंड अभी मैं एक घंटा पहले ही ऑफिस से वापस आई हूँ स्कीड्यूल इज़ वेरी हेक्टिक दीज डेज बट आई फेल्ट लाइक पैम्परिंग माई स्किन अ लिटिल बिट एंड सो आई डिसाइडेड वाई नॉट फिल्म इट विद यू गाइज ताकि आप लोग देख पाओ कि आजकल मैं अपनी स्किन के लिए क्या कर रही हूँ एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन ट्राई इट आउट टू राइट तो जब से ऑफिस स्टार्ट हुआ इतना ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल हो गया कि ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पा रहा था टू टेक केयर ऑफ माई स्किन एंड आई हैड स्टार्ट ब्रेकिंग आउट अभी तो ये बस मास्क रह गए हैंकने इज़ ऑल गॉन थैंकफुली बट या जैसे आज कल मैं बाहर जा रही हूँ लाइक आफ्टर थ्री कम्पलीट ईयरस मैं बाहर जाने लगी हूँ प्रॉपर रूटीन हो चुका है एंड हम लोग इधर उधर थोड़ा जाते हैं तो पल्यूशन बहुत ज्यादा है डस्ट उड़ती रहती है एंड लॉट ऑफ अदर रीजन जिसकी वजह से एक्ने हो जाता है एंड देन इतना तेज़ धूप होती है ऑल दो मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ बट uh, बहुत ही ज़्यादा धूप होती है तो स्किन एकदम डल होता है हो जाती है एंड अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो ना तो टैनिंग की भी बहुत ज्यादा इशू हो सकती है सो बेसिकली आई नो कि अगर आप भी कॉलेज जाते हो स्कूल जाते हो या ऑफिस जाते हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप भी फेस करते हो एंड आई एम श्योर कि आपकी भी स्किन डल हो जाती होगी शाम को घर पहुंचने तक टैनिंग हो चुकी होती है काफ़ी लोगों को एंड देन एक्ने की प्रॉब्लम ट्रिगर हो जाती है पोल्यूशन एंड डर्ट से एटलीस्ट फॉर मी सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो टू स्टेप रूटीन क्या है जो मैं हफ्ते में दो बार रात में करती हूँ जिससे कि आई हैव सीन अ विजिबल डिफरेंस इन माय पिगमेंटेशन जो कि सन uh, डैमेज थोड़ा बहुत हुआ था उस पर माई स्किन हैज़ बीन अ लॉट बेटर एंड ब्राइटर एंड माई एक्ने इज़ ऑल्सो गॉन ये जो आपको दिख रहा है ये अभी पिछले हफ्ते एक्ने हुआ था बट अभी इट इज़ ऑल फ्लैट एंड गॉन ये सिर्फ उसका थोड़ा सा मार्क रह गया है अभी चला जाएगा सो इफ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंगट आई लाइक टू डू एट नाइट टू पैम्प माई स्किन वीक में दो बार सो कीप इन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड बट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज टेक आवर अट एंड हिट दैट लेट सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट सो दट एवरी टाइम आई अपलोड न्यूडियो यू गेट नोटिफाइड नाउ विदाउट एनी फर्दर ब्लैबरिंग राइट इन टू दीडियो तो मैं मेकअप लगाती हूँ जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो सबसे पहले मैं मेकअप रिमूवर से अपने मेकअप क्लीन कर लेती हूँ एंड उसके बाद द फर्स्ट स्टेप इज फेस वॉश आजकल मैं कुछ टाइम से ये वाला फेस वॉश ट्राई आउट कर रही थी दिस इज द फिक्स डर्मा कॉस्मेटिक लैबोरेटरीज दैट इज एफ का अल्फा बीटा एक्ने क्लेंजर एल्फा इसमें वन परसेंट ग्लाइकॉलिक एसिड है एंड बीटा इसमें टू परसेंट सैलिसिक एसिड है एक्ने कैन हैव अ लॉर ऑफ डिफरेंट रीजन जैसे डेड स्किन की वजह से एक्ने हो सकता है एक्सेस ऑयल की वजह से एक्ने हो सकता है एंड बैक्टीरिया की वजह से एक्ट नहीं हो सकता है आजकल मैंने जो नोटिस किया था मैं जब से बाहर जाने लगी हूँ पल्यूशन और डस्ट की वजह से पोर्स क्लॉग हो रहे थे एंड बैक्टीरिया डेवलप हो रहा होगा तो उसकी वजह से मुझे थोड़े बहुत ब्रेकआउट्स होने लग गए थे बट दिस फेस वॉश हैड इट ऑल अंडर कंट्रोल आप देख ही सकते हो सो फेस वॉश लाइक दिस वर्कस ऑन ऑल दोज फैक्टर्स कंसिडरिंग कि इसमें एल्फा एंड बीटा दोनों ही क्लेंजर्स हैं अल्फा एंड बीटा क्या होता है बेसिकली अल्फा हाइड्रॉक्सी एसिड्स जो होते हैं लाइक ग्लाइकोलिक एसिड वो आपकी जो स्किन के ऊपर वाली सरफेस होती है ना उसको अच्छे से एक्सफोलिएट करता है तो अगर कोई डेड स्किन है तो उसको रिमूव कर देता है और आपके पोर्स को अनक्लॉक कर देता है बेसिकली आपकी स्किन की टॉप मोस्ट लेयर को एक्सफोलिएट करता है जिससे कि आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइटर लगती है एंड एक्ने वगैरह में भी हेल्प करता है एंड देन इसमें जो बीटा बीटाहाइड्रॉक्सी एसिड है दैट इज़ टू परसेंट सालिसिक एसिड हाइड्रोक्सी एसिड सर्फेस

से टॉपअप करो क्योंकि ऑब्वियसली इसमें अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं जो कि आपकी स्किन को थोड़ा सा सेंसिटिव बनाता है सो सनस्क्रीन बिल्कुल स्किप मत करना अगर इसको रात में भी यूज करो तो भी अगले दिन सनस्क्रीन मत भूलना अभी इसमें लिखा है कि आप इसको दोनों टाइम यूज़ कर सकते हो बट वॉट आई वुड रिकमेंड इज आई लाइक टू यूज़ इट मोस्टली ड्यूरिंग द नाइट क्योंकि इसमें केमिकल एक्सफोलिएटर्स हैं तो रात भर में स्किन थोड़ी बहुत हील भी हो जाती है सुबह सुबह उतनी सेंसिटिव स्किन लेके मैं धूप में नहीं जाना चाहती हूँ आई यूज़ इट एट नाइट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो केमिकल एक्सपोलिएशन केमिकल एक्टिवस की आपकी स्किन को आदत नहीं है तो यूज़ इट एवरी ऑल्टरनेट डे एंड देन यू नो बिल्ड अप योर स्किन टॉलरेंस मैं रोज़ रात में यूज़ कर लेती हूँ वर्किंग रियली रियली ग्रेट फॉर मी इससे फेस वॉश करने के बाद मेरा फेस बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगता है इट फील्स वेरी वेरी प्लम्प एंड हाइड्रेटेड बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि अब भी जाके मॉइस्चराइजर लगाना है So, these are the things that I really like in a face wash. So, yes, I'm loving this face wash. थोड़ा सा माइल्ड सा टिंगलिंग सेंसेशन दे सकता है मुझे फर्स्ट टाइम में ऐसा लगा था बट उतना ज्यादा है नहीं बट बहुत ज्यादा कूलिंग सा इफेक्ट दे देता है ये मेरे फेस को तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है इससे अपना फेस वॉश करने में नाउ बिकॉज ये फेस वॉश टारगेट करता है एक्ने और सीबम कंट्रोल करने में तो इट इज परफेक्ट फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन टाइप एंड इवन इफ यू हैव अ ब्लैक एड प्रोन स्किन टाइप क्योंकि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है तो ये आपके लिए तब भी काम करेगा एंड इट इज परफेक्ट टू यूज फॉर एनी वन अबब द एज ऑफ फिफ्टीन बोथ मेन एंड वेमेन कैन यूज दिस फेस वॉश इनफैक्ट यह एक ऐसा फेस वॉश है जो मुझे लगता है मेन की स्किन पे भी बहुत ज्यादा अच्छे से काम करेगा कंसिडरिंग दैट मेन हैव अ लिटिल बिट थिकर एंड टफर स्किन दैन वुमेन दिस विल वर्क रियली ग्रेट फॉर यू गाइज इज वेल तो जो लड़के मुझे पूछते रहते हैं एक्ने और ब्लैक हेड्स के बारे में यू कैन गो हेड एंड गेट दिस फेस वॉश दिस इज रियली रियली गुड एंड अगर आप ड्राई स्किन टाइप हो आई वुड से जस्ट स्किप ऑन इट बट इफ यू वॉन्ट टू यूज इट प्लीज कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट वंस बिफोर यू यूज दिस बिकॉज इट हैज़ केमिकल एक्सफोलिएटर्स एंड आई फील इट माई Not so dry skin, and it is a sulfate free, paraben free, soap free, and cruelty free face wash. All in all, it is a perfect cleanser to detox your skin. तो फेस वॉश तो हो गया अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ तो दूसरी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ जब से मैं बाहर जाने लगी हूँ दैट इज स्किन डलनेस की अब क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि आई सू वेयर बाय माय सनस्क्रीन्स लाइक आई होड सनस्क्रीन्स लाइक क्रेजी तो मैं सनस्क्रीन रोज़ लगा के जाती हूँ नो डाउट अबाउट दैट बट कभी कभी आई गेट अ चांस टू री इट कभी कभी मेरे दिमाग से निकल जाता है या मैं नहीं जाती हूँ तो रीअप्लाई नहीं करती हूँ बट जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप इनडोर्स भी बैठ रहे हो एस पी एफ थर्टी यू स्टिल नीड टू अप्लाई तो कभी कभी मैं रीअप्लाई करना भूल जाती हूँ मे बी उस वजह से हो रहा हो या हम लोग काफ़ी बार धूप में घूमते रहते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा स्किन डल हो ही जाती है तो अगर आप सनस्क्रीन स्किप कर रहे हो तो बिल्कुल भी ही मत करना आपको बहुत बुरी तरीके से सन डैमेज हो जाएगा बट येस yes, वो जो थोड़ा बहुत टैनिंग और डलनेस हो रहा था मुझे उसके लिए कुछ करना था आई वॉन्टिड माई स्किन टू लुक ब्राइटर सो वॉट आई हैव बीन यूजिंग इज दिस डी टैन फेस पैक दिस इज़ फ्रॉम एफ सी एल अगेन फिक्स जर्मा कस्मे टरी का डी टैन फेस मास्क है ये काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि डी टैन के लिए मास्क बताओ मुझे बाहर नहीं जा रही थी तो मैंने कुछ ट्राई नहीं किया था बट जब से ऑफिस जाने लगी मुझे थोड़ा लग बिकॉज स्किन बहुत डल होने लग गई है इतना ज्यादा मे बी स्ट्रेस पोल्यूशन और सन तीनों के मिक्सचर की वजह से तो बिन ट्राइंग आउट दिस फेस मास्क नाउ दिस टारगेट्स रिमूविंग स्टबन टैनिंग एंड ऑल्सो टू ट्रीट एक्ट

दीज ट्रू प्रोडक्ट एंड नथिंग एल्स थोड़ा सा लिप बाम लगाया था लिप्स पे बट मेरी स्किन पर कुछ भी नहीं है एंड यू कैन सी माई स्किन डिज नॉट फील ड्राई एट ऑल लाइक दिस फेस मास्क इज़ फॉर ऑयली एक्नेप्रोन स्किन टाइप एंड मोस्टली मैंने जितने भी मास्क ट्राई किए अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करते हो यू नो आई लव मास्किंग बट जितने भी ऑयली स्किन के मास्क होते हैं वो क्ले मास्क होते हैं टू बी ऑनेस्ट दे डू ड्राई आउट योर स्किन इफ नॉट वेरी मच कुछ कुछ अच्छे हैं बट ड्राई तो थोड़ा बहुत कर ही देते हैं बिकॉज दे आर क्ले मास्क एंड उनका सबका टेक्स्चर लगभग सेम ही होता है जब मैंने इसे खोला था ना मुझे लगा गलत तो नहीं आ गया कुछ लाइक इसका टेक्स्चर बाकी फेस मास्क से बिल्कुल अलग है ये मॉइस्चराइजर थिक मॉइस्चराइजर जैसा लगता है एंड इवन वेन यू अप्लाई इट ऑन योर फेस इट लुक्स लाइक अ थिक मॉइस्चराइज़र लगता ही नहीं है कि फेस मास्क है एंड जब मैंने इसको वॉश किया आई फेल्ट माई स्किन सुपर सॉफ्ट एंड इट गेव दैट इंस्टेंट ब्राइटनेस टू माई स्किन पूरे दिन जो मेरी स्किन की बैंड बच जाती है ना जिन दो रात इसको मैं यूज़ करती हूँ ना मज़ा ही आ जाता है कसम से बट मैं इसको वीक में दो ही बार यूज करती हूँ आप भी उससे ज़्यादा मत यूज़ करना इट शोज गुड रिजल्ट इन टू यूज़ ओनली आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर अबाउट टू वीक्स नाउ एंड आई एम लविंग द रिजल्ट अगेन दिस इज एलर्जन फ्री नॉन कमीडोजेनिक नॉन ड्राइंग एंड डाइस फ्री अगर इसके कुछ इन्ग्रीडियंट्स की बात करें तो इसमें मल्टी फ्रूट ए एच इज है जो कि आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करने में मदद करते हैं ताकि डेड स्किन का बिल्डअप ना हो तो वो आपको एक्ने ब्लैक में भी हेल्प करेगा एंड आपकी

से आप एक्सट्रैक्ट कर पाओ देन इसमें बेंटोनाइट क्ले है 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 जो कि आपकी आपकी स्किन स्किन को हील और डिटॉक्सिफाई करता है. एक तरीके से वो की तरह है आपकी के लिए जितना भी डर्ट और सीबम है वो आपकी स्किन से अब्जॉर्ब कर लेता है एंड इट इज एन अमेजिंग इन्ग्रीडियंट फॉर ऑयली स्किन टाइप देन जो मैंने बोला ना इसका टेक्सचर इतना अमेजिंग और मेरी स्किन को इतना हाइड्रेटेड एंड प्लंप इसने छोड़ा है लगी नहीं रहा है कि मैंने अभी मास्क किया है दोज इन्ग्रीडियंट्स आर हाइलोरॉनिक एसिड एंड फाइटोस्कोलिन दोनों इन्ग्रीडियंट अमेजिंग हैं आपकी स्किन को डीपली नरिश करने के लिए बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है एंड मैं यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर लगा दूंगी यू कैन सी द डिफरेंस आफ्टर यूजिंग दिस फेस मास्क आई एम अमेजड बाय द रिजल्ट एंड आई रियली रियली लाइक यूजिंग बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स सो येस मैं इनकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप लोग जरूर चेकआउट करना एंड अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन है प्लीज ड्रॉप दम इन दो कॉमेंट बॉक्स बिलो मेरे को जब जब भी टाइम मिलेगा मैं तब तक वीडियो शूट करने की कोशिश करूंगी एंड आई ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन सो या आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल हो इफ सो प्लीज गिवे थम्स अप ड्रॉप ऑल योर व्यूज इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज हिट दट सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट वेट सो देवी टाइम आई अपलोड अवियो यू गेट नोटिफाइड अब मुझे आ रही है बहुत तेज नींद तो मैं जा रही हूँ सोने सारी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है चेकआउट कर लेना आई विल सी यू सुपर सुपर सोन इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय